लखनऊ में सिटी मॉन्टेसरी स्कूल अशरफाबाद की छात्रा शुभ्रा सक्सेना अपने जन्मदिन पर कहानी सुना रही हैं। 23 अक्टूबर को उनका जन्मदिन पड़ता है। कोरोना काल में स्कूल बंद रहा और पिछली बार वो अपना बर्थडे ठीक से नहीं मना पाई, लेकिन इस बार उनका इरादा धूमधाम से बर्थडे मनाने का है। यश, युवराज, केशव, अरिकेत, कुशाग्र, अबीर भैया के साथ मान्या, यशी और प्यारी छोटी बहन ईशी के साथ अपना जन्मदिन वो मनाना चाहती हैं। सब तो आ नहीं सकते, लेकिन शुभ्रा ने बुलाया सबको है। शुभ्रा अपने जन्मदिन पर बच्चों को एक कहानी भी तो सुना रही है। अगर आपको उनके जन्मदिन पर विश करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके कीजिए। दोस्तों, मेरा नाम शुभ्रा सक्सेना है। मैं हमारा ब्लैकबोर्ड टीम से हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी सुनना तो सभी को पसंद है, क्यों ना पपेट से कहानी शुरू की जाए। देखिए दोस्तों, मैंने आपके लिए पपेट भी बना दिए। चलिए घमंडी वानर सिंगा की कहानी शुरू करते हैं। जंगल में एक बाना सिंगा रहता था। नाम था उसका सोना। उसका बदन सोने की तरह चम चम चमकता था। जैसे वह सैर के लिए निकलता, सारे जानवर उसे देखने लगते। एक बार तालाब के पानी में वो पानी पी रहा था, तभी उसने तालाब के पानी में अपनी छवि देखी तो वह बहुत खुश हुआ। फिर उसने अपने पैरों को देखा तो उसने सोचा, मेरी इतनी भद्दी और पतली टांगे, काश मैं किसी से बदल पाता। तभी उसके पीछे कुछ शिकारी कुत्ते पड़ जाते हैं और वो जोर जोर से भागने लगता है। तभी थोड़ी देर में सारे शिकारी कुत्ते उससे छूटने लगते और उसकी टांगे उसे बहुत दूर ले जाती है। तभी वहां मुड़ के देखता है तो शिकारी कुत्ते छूट चुके होते हैं। तभी वह अपनी टांगों को देखकर कहता है कि आज वही बदी और पतली टांगे मुझे इतने काम आ रही थी। अब मैं किसी से भी अपने टांगे नहीं बदलना चाहता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर